नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी सीमा अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जाम्बिया से लगती है। अपने बड़े भूमि के बावजूद ये अफ्रीका में सबसे कम आबादी वाला देश है जिसकी आबादी सिर्फ 20 लाख से अधिक है। नामीबिया का इतना कम जनसंख्या घनत्व होने के कई कारण हैं। इसका एक प्रमुख कारण इसकी कठोर रेगिस्तानी जलवायु है जिससे लोगों के लिए बसना और फसल उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नामीबिया का अधिकांश भाग नामीब रेगिस्तान से आच्छादित है जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शुष्क रेगिस्तानों में से एक है। इसका तापमान उच्च रहता है और कम वर्षा की विशेषता के कारण कृषि को फलना फूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त रेगिस्तान लोगों के लिए पानी और अन्य संसाधनों को खोजना भी कठिन कर देता है जो इस क्षेत्र में लोगों के बसने की क्षमता को और सीमित कर देता है। नामीबिया का जनसंख्या घनत्व कम होने का एक अन्य कारण इसका उपनिवेशीकरण और स्वदेशी लोगों के विस्थापन का इतिहास है। 19वीं शताब्दी के अंत में देश को जर्मनों द्वारा और बाद में दक्षिणी अफ्रीकों द्वारा उपनिवेश बनाया गया था जिसके कारण कई स्वदेशी लोगों का विस्थापन हुआ और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके नष्ट हो गए। इसके आबादी पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है क्योंकि बहुत से लोग अपना घर छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त नामीबिया में कम फर्टिलिटी रेट और इमिग्रेशन की उच्च दर है। नामीबिया में फर्टिलिटी रेट पूरे अफ्रीका में सबसे कम है और कई युवा कहीं और बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़ रहे हैं। इससे जनसंख्या में गिरावट आई है क्योंकि छोड़ने वाले लोगों को बदलने के लिए पर्याप्त जन्म नहीं है। इसके अलावा नामीबिया की अर्थव्यवस्था भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए एक योगदान कारक है। देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खनन और कृषि पर आधारित है जो जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त देश में गरीबी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत से लोग गरीबी में जी भी रहे हैं और मूलभूत आवश्यकताओं को वहन करने में असमर्थ हैं। इन चुनौतियों के बावजूद नामीबिया ने हाल के वर्षों में कुछ प्रगति की है। सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आबादी के लिए रहने की स्थिति में सुधार के लिए नीतियों को लागू किया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जनसंख्या का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक सेवाओं में भी निवेश किया है। नामीबिया द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी है। देश में एक बड़ी ग्रामीण आबादी है और बहुत से लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जो सड़क मार्ग से आसानी से सुलभ नहीं है। इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है और बहुत से लोग आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा तक पहुंच की कमी भी देश में एक बड़ी समस्या है। कई बच्चे स्कूलों और शिक्षकों की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। नामीबिया के सामने एक और बड़ी चुनौती नौकरी के अवसरों की कमी है। देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खनन और कृषि पर आधारित है जो जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त देश में गरीबी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत से लोग गरीबी में भी जी रहे हैं और मूलभूत आवश्यकताओं को वहन करने में असमर्थ हैं। इन चुनौतियों के बावजूद नामीबिया की सरकार जनसंख्या के रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए काम कर रही है। सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए नीतियों को लागू भी किया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जनसंख्या का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक सेवाओं में भी निवेश किया है। उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक जहां सरकार अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करने और लोगों के लिए यात्रा करने और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाने के लिए सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण में निवेश किया है।